तो मैं साइकिल पे चल रहा था रास्ते में, तो एक मेरा दोस्त मिला। नाम क्या? भैया मिले, आप कहाँ से हो? मैं तो अब तो ऋषिकेश से ही हूँ, वैसे अमेरिका में था, सिएटल में। 10 रुपये ठीक है ये? अभिषेक सुप्रभात, नमस्कार। शिवपुरी से आगे आज हरिद्वार की ओर मेरी गोगंगा यात्रा निकलती है, और आज का दिन हरिद्वार में रहेगा, और कैसे रहेगा, जैसे भी रहेगा, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अच्छा ही रहेगा। तो आज अपनी यात्रा से पूरी थी हरिद्वार की ओर। जय बद्री विशाल, जय गंगा मैया। एक बाबा जी मिले साइकिल वाले, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, मुझे जय बद्री विशाल। बस ऋषिकेश पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद पूछा ऋषिकेश में गंगा तो कोई फल वाला देखिए, थोड़ा फल खा लूँगा, एनर्जी तो चाहिए मित्र। दोस्तों पहली बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरा सफ़र अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना कि और क्या करूँ मैं इस सफ़र में, जिससे मेरा यह सफर पूरे 18 वर्ष में पहुँच सके। और एक और विनती, अगर आपको यह सफ़र और बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कर देना एक पूरे भारतवर्ष को। मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ, पहली बार मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लगा दो जान जो मेरे साथ इस धरती माँ को स्वच्छ बनाने में। ये ऋषिकेश के मेन सड़क का हाल, उत्तराखंड का ये हाल है, ऐसे हजारों जगह में ऐसे कुएं फेंक देते हैं। कब सुधरेगो मनुष्य, तुम कब सुधरोगे? कभी तो आओ आज धरती माँ को समझो, अपनी माँ, अपना घर। आखिरकार ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ, लक्ष्मण झूले के आसपास चल रहा हूँ अभी। हाँ, ऋषिकेश राम झूला की तरफ जा रहा हूँ, इसके तब सियात त्रिवेणी घाट में, तो यहाँ पे राम झूला की तरफ बढ़ रहा था। तो अभी जय बद्री विशाल, राम झूला से निकल रहा हूँ, और विशाल त्रिवेणी घाट पे पहुँच चुका हूँ, और मेरी साइकिल यहाँ पे पहुँच चुकी है त्रिवेणी घाट पे, मैं अभी हूँ जय बद्री विशाल। कितने का दिया? 10 रुपये का एक मच्छी का दाना दिया, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये मच्छी का दाना जिसे क्योंकि मैं आज भीषण आपदा मैं और कोविड 19 में सही भाई बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, तो 10 रुपये मैं तो ले लेता हूँ। जय बद्री विशाल, हरे गंगे नमामि गंगे, जय बद्री विशाल। उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं अभी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से आप सबके समक्ष उत्तराखंड में आई 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आई भीषण आपदा में शहीद हुए भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और कोविड 19 में शहीद हुए भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी यात्रा यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और आज तो ये भी साइकिल से, और ये भी मेरे साथ धरती माँ को स्वच्छ बनाने में, और पूरे उत्तराखंड में धरती माँ को स्वच्छ बनाने में, तो इनका भी सहयोग है इसमें, इनका मंदिर में, तो मैं इनसे जुड़ते हूँ। बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ ऋषिकेश से हरिद्वार तक सड़क के किनारे पूरे रास्ते में लगभग सब जगह कचड़े का ढेर दिख रहा है। बहुत दुख होता है जब धर्मनगरी और पतित पावनी उत्तराखंड को इस तरह से ये कचरा गाड़ी वालों के कारण हुआ है, और खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, और इतना ढेर लग चुका है बहुत सारा। NH पे हूँ, हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ, तो रास्ते में मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से कचड़े का ढेर कर रखा है। कब सुधरोगे? जब ये धरती माँ पूरे कचरे से भर जाएगी, और एक दिन फिर भयंकर तबाही का मंजर देखना पड़ेगा, तब सुधरने का विचार है। भागती हुई जिंदगी में रुक, ऐसे कचरा मत कीजिए प्लीज, स्वच्छ बनाने में धरती माँ को सहयोग करें, अरे स्वयं सहयोग करें। हरिद्वार के रास्ते में जा रहा हूँ, तो एक बाबा जी मिले आगे से, चल रहे हैं मेरे साथ साथ, चल रहे हैं, और सबसे युवा बाबा हैं, 17 साल के। तो मैं बताइए आपका मेरा ड्रीम क्या है? ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये बाबा जी मुझे रास्ते में मिले, और ये उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं। बाबा जी कहाँ से आए हो? बद्रीनाथ से। ड्रीम क्या है, कहाँ जाना है? थैंक यू।